नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। और आज है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई वीडियो शुरू करते हैं। भीलवाड़ा में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल गेट पर जड़ा है ताला। नोटिस मिलने पर BLO ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। टारगेट पूरा नहीं करने पर मिला नोटिस, बोले नहीं देते आधार कार्ड। सरकार ने योजनाएं तो कई चलाई पर खाली पदों से कैसे करे क्रियान्वयन। 25,420 DLED सीटों पर प्रवेश के लिए 8 को होगी परीक्षा। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए DLED होना अनिवार्य। शारीरिक को प्रायोगिक परीक्षा करवाएंगे जिला कलेक्टर। अग्निपथ सेना भर्ती रैली 28 नवंबर से जोधपुर में होगी। इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन वो कल से होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वो उसमें 2020 को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। शिक्षक शैक्षणिक सम्मेलन में जाएं, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में जाएं। प्राइवेट विद्यार्थी के लिए बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया वो कल से शुरू होगी। CBSE की साल 2023 की परीक्षा सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 30 सितंबर। SFIPF पोर्टल पर फ्रीज करने का कार्य 30 सितंबर तक होगा। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। फिर स्कूलों के अच्छे परिणाम नहीं तो होगी कठोर कार्रवाई। छोटे बच्चों के फर्नीचर के मॉडल को भी देखा है साथ में। कोरोना में सरकारी स्कूल बने सहारा, अब फिर निजी पर है भरोसा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। BDS डिग्री धारक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करें। BA ऑनर्स प्रथम वर्ष के आवेदन 24 सितंबर तक होंगे। आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। 2 साल की जो प्रतिदिन भर्ती है उनके अंदर भी उन्हें मौका है वो दिया जाए। तो आज के समाचार यही सुनते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।